गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कृष्ण कुमार, योर फिजिक्स टीचर। आज हम क्लास नाइन्थ का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नाइन स्टडी करेंगे, दैट इज़ फोर्स लॉज एंड मोशन। इसमें हमें फोर्स के बारे में स्टडी करना है कि आपका फोर्स क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, क्योंकि लास्ट जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसमें आपने सिंपल मोशन के बारे में स्टडी किया है, आपने ये नहीं स्टडी किया है कि वो मोशन किस वजह से हुआ, कोज आपने स्टडी नहीं किया है। यहाँ पर आप कोज स्टडी करेंगे, यानी फोर्स स्टडी करेंगे कि कैसे मोशन प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद में आप फोर्स के टाइप स्टडी करेंगे, उसके लिए आपको कुछ लॉज ऑफ मोशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम स्टडी करेंगे। लास्ट में आपके पास होगा मोमेंटम, मोमेंटम को हम भी स्टडी करेंगे, और फिर आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये कुछ आपके मेन टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर, दैट इज़ फोर्स। फोर्स आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है, द पुश एंड पुल। पुश एंड पुल, ये जो पुश एंड पुल है ये आपका क्या होता है, फोर्स होता है। यानी कि आप ट्राई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने के लिए, या वो रेस्ट पे है या मोशन में है, आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो या तो आप पुश करेंगे या फिर आप पुल करेंगे, इसको हम बोलते हैं फोर्स। इसकी जो SI यूनिट होती है फोर्स की, वो होती है न्यूटन। आप इसको कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूटन के लिए। अब फोर्स यहाँ पर आपका दो टाइप का होता है, फर्स्ट इज़ बैलेंस्ड फोर्स, सेकंड इज अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस फोर्स का मतलब समझिए, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है बैलेंस, यानी कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, आप इधर से जितना फोर्स लगा रहे हो सेम फोर्स आप दूसरी साइड से भी अप्लाई कर रहे हो, तो सीधी सी बात है इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्स है। हाँ, इसकी शेप चेंज हो सकती है लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। जैसे बैलून है, बैलून को अगर आप दोनों तरफ से प्रेस करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, उसकी शेप चेंज हो सकती है। सेकेंड आपके पास है अनबैलेंस्ड फोर्स। इसमें क्या है, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें आपने दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई किए F1 F2, जो भी फोर्स आपका ज़्यादा होगा उस तरफ आपका मोशन स्टार्ट होगा, यानी कि दोनों फोर्स आपके सेम नहीं हैं, दोनों की फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है। तो जिधर भी आपका ज़्यादा फोर्स होगा आपका, उधर ही आपका मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या है कि दोनों तरफ से आपने जो फोर्स लगाया है वो आपका डिफरेंट है। अब आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसमें आपको स्टडी करना है, बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है, वो ये है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसी स्टेट में रहेगा अनटिल और अनलेस, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दोबारा सुनिए, जब तक आपका कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब तक कि आप बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। जैसे आप फोर्स अप्लाई करोगे तभी आपकी पोजीशन चेंज होगी। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर आपकी एक टर्म आती है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब आपकी इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो रजिस्ट करती है, इसमें हम जो भी चेंज करते हैं उसको ये क्या करता है, रजिस्ट करता है, यानी कि चेंज होने नहीं देता। आप इसको ऐसे समझिए, मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है पहले, तो उसमें इनर्शिया कौन सा होगा, रेस्ट का होगा। तो अगर वो मोशन में आएगा तो वो उस चीज़ को अपोज करेगा, उसको मोशन में नहीं आने देगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका क्या होगा, वो इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर आप उसको रेस्ट में लाओगे तो उसको अपोज करेगा वो। नेक्स्ट आपके पास है डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया डायरेक्शनल भी होता है, यानी कि अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो तो जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे आप लेफ्ट या राइट नहीं जा सकते, आपकी डायरेक्शन डायरेक्ट ही रहेगी। अब इनर्शिया को हम स्टडी कैसे कर सकते हैं, इनर्शिया को यहाँ पर हम मास से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। जैसे कि मान लीजिए एक साइकिल आपके पास है, एक बस आपके पास है, दोनों ही रेस्ट में हैं, आप उनको मोशन में लाना चाहेंगे तो आप दोनों पे फोर्स अप्लाई करेंगे, आप देखोगे कि साइकिल को आप आसानी से मूव करा पाओगे लेकिन बस को आप मूव नहीं करा पाओगे, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका जो मास है वो कम है और इसका जो मास है वो आपका ज़्यादा है।
तो मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा और उस इनर्शिया को आप आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से अगर आपके मोशन में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है एक बिग ऑब्जेक्ट है, तो छोटी ऑब्जेक्ट को आप आसानी से रोक लेते हो। इसका मतलब क्या है, इनर्शिया हम किस से रिलेट कर सकते हैं, मास से रिलेट कर सकते हैं। अब आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टडी करने से पहले आपको एक क्वांटिटी स्टडी करनी है, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम का मीनिंग होता है टोटल मोशन इन एन ऑब्जेक्ट, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो आपका क्या होगा, मोमेंटम होगा। या फिर आपको इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स वेलोसिटी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट आप आसानी से निकाल सकते हैं, मास की आपकी होती है केजी और वेलोसिटी की आपकी होती है मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट मोमेंटम की क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है कि आपका जो फोर्स अप्लाइड है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि आपका जो मोमेंटम है उसका जो रेट है चेंज होने का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम है, अब मोमेंटम का चेंज का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे दो मोमेंटम मान लेता हूँ पी वन एंड पी टू, पी वन आपका इनिशियल मोमेंटम है, पी टू आपका फाइनल मोमेंटम है, तो चेंज हम कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हमने चेंज निकाल लिया। अब मोमेंटम का फॉर्मूला देखिए, ये रहा मास इंटू वेलोसिटी, तो मैंने मास इंटू वेलोसिटी लिखा है। अब आप एम वी माइनस एम यू, वी क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी है, तो मैंने इसको फाइनल मोमेंटम में लिखा है। जो आपका यू है वो आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसको मैंने इनिशियल मोमेंटम में लिखा है। अब यहाँ पर आप मास कॉमन लेंगे और प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटा देंगे, उसकी जगह मैंने के यूज़ कर लिया, मास को हमने कॉमन लिया तो वी माइनस यू बन गया। अब अगर मैं आपको इसको कैंसिल आउट करूँ तो वी माइनस यू बाई टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, आपका जो चेंज इन वेलोसिटी है टाइम के अकॉर्डिंग उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ये आपने 8th चैप्टर में पढ़ा है, आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए, दैट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट व्हेन वी अप्लाई द फोर्स। के की जो वैल्यू है यहाँ पर कॉन्स्टेंट, वो आपका 1 होता है, तो यहाँ से मुझे फोर्स का फॉर्मूला मिला है। फोर्स क्या बन गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाइड कैलकुलेट करना है तो उस ऑब्जेक्ट का आपके पास मास होना चाहिए और उसमें जो वेलोसिटी का चेंज है दैट इज एक्सेलरेशन, वो भी आपके पास होना चाहिए फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर एक टर्म आपकी और आती है, दैट इज इम्पल्स। इम्पल्स सिंपल आपका होता है चेंज इन मोमेंटम। थोड़ा सा ध्यान रखिए, फोर्स जो मैंने आपको बताया था वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लेकिन जो आपका इम्पल्स है वो आपका सिंपल क्या है, चेंज है, उसमें रेट नहीं लिखा हुआ यानी टाइम नहीं आएगा, सिंपल चेंज आपको लेना है। तो पी टू माइनस पी वन, ये आपका क्या हो गया, मोमेंटम में चेंज। तो अगर आप पिछले फॉर्मूले को देखें, यहाँ से अगर आपको चेंज ही निकालना है तो अगर मैं टाइम को उस तरफ ले जाऊँगा तो फोर्स इंटू टाइम किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम की। तो फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स की आपकी यहाँ पे दो डेफिनेशन बन सकती हैं, पहला क्या है चेंज इन मोमेंटम और दूसरा क्या है फोर्स इंटू टाइम फॉर विच यू आर अप्लाइंग द फोर्स। जितना आपने फोर्स अप्लाई किया है और जितने टाइम के लिए अप्लाई किया है वो आपका क्या हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि अगर आप टाइम इंक्रीज करते हो तो जो फोर्स का इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाता है। कैसे, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा कई बार, तो उसमें जब फील्डर कैच करता है तो अपने हाथों को नीचे लेके जाता है ताकि जो टाइम है कैच का वो इंक्रीज कर सके। अगर टाइम आपका इंक्रीज होगा तो फोर्स का इफेक्ट कम होगा, जिसको हम इम्पल्स बोलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स या इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो अगर आप टाइम इंक्रीज करोगे तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कैच लेने में उसको आसानी होगी।
दूसरा क्या है, मान लीजिए आप जंप कर रहे हैं, एक आप सॉलिड सरफेस पे कर रहे हैं, दूसरा आप सैंड सरफेस पे कर रहे हैं जिस पे आपका मिट्टी है। तो अगर आप सैंड सरफेस पे जंप करेंगे तो आप एकदम से मोशन आपका जीरो नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा आपके लिए, और उस टाइम की वजह से आपका जो फोर्स का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, आपको चोट कम लगेगी। वहीं अगर आप सॉलिड सरफेस पे जंप करते हो तो आपका मोमेंटम एकदम से जीरो हो जाएगा, टाइम बहुत कम लगेगा तो फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा। यानी कि अगर हमें फोर्स का इफेक्ट इंक्रीज करना है तो टाइम को कम करना पड़ेगा, और अगर फोर्स का इफेक्ट हमें डिक्रीज करना है तो टाइम को ज़्यादा करना पड़ेगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, एग्जांपल ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने जूडो कराटो के प्लेयर देखे होंगे, वो एक ही हीट में कई सारी ब्रेक्स को, ये वो आइस की हो या आपकी ब्रिक्स की हो, उनको ब्रेक कर देते हैं। वो किस वजह से करते हैं, क्योंकि उन्होंने टाइम, सडनली वो अटैक करते हैं अपने हाथ से तो टाइम काफ़ी डिक्रीज कर देते हैं, जिससे फोर्स का इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है और वो उनको आसानी से ब्रेक कर पाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो हम डेली लाइफ में हर बार यूज़ करते हैं। एक्शन रिएक्शन, दो वर्ड मैंने यूज़ किए, इनको समझिए कैसा होगा। इसकी स्टेटमेंट है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि एक्शन और रिएक्शन आपके सेम होंगे लेकिन अपोजिट होंगे। अब इसका मीनिंग देखो कैसे, कुछ एप्लीकेशन के साथ मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट केस, मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, उस बॉल को आपने क्या किया, वॉल पे हिट किया, तो बॉल ने क्या किया, वॉल को जैसे हिट किया तो बॉल ने वॉल पे एक्शन अप्लाई किया। जो रिएक्शन होगा वो वापस किस पे होगा, बॉल पे होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है, डिफरेंट है। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लिया हर रोज जैसे हम चलते हैं तो हमारा जो फिट है, जो हमारा फुट है, वो क्या करेगा, ग्राउंड को पुश करेगा। तो उसने क्या किया, ग्राउंड पे नीचे की तरफ एक्शन किया, ग्राउंड हमें वापस ऊपर की तरफ या आप कह सकते हैं आगे की तरफ रिएक्शन देगा, जिससे हम चल पाते हैं। तो एक्शन रिएक्शन आपके इक्वल होते हैं, दोनों ही फोर्स हैं, दोनों ही आपके फोर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यहाँ पर एक पॉइंट और समझने का है, कई बार बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो ये मान लेते हैं कि एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होते तो मैं आपको बता चुका हूँ दोनों इक्वल हैं, तो अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, इसलिए दोनों हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, बॉल और वॉल के केस में एक्शन वॉल पे हुआ है, रिएक्शन बॉल पे हुआ है, तो आपका एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो आपका फॉर्मूला है इस पे आपका एक्सप्रेशन भी आता है, ये छोटी सी डेरिवेशन आपकी, और इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इसको समझिए, कंजर्वेशन का मतलब होता है सेम रहना, मोमेंटम यानी कि जो आपका मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। जैसे आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा है छोटी क्लास में, जो आपकी एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है, तो सेम केस यहाँ पर मोमेंटम भी आपका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसको मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, वन एंड दिस इज टू, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, इसका मास एम ए है, इसका मास एम बी है, दोनों मूव कर रहे हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू ए है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू बी है। मान लो कोलिजन होता है, कोलिजन का मतलब है दोनों आपस में स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने के बाद सीधी सी बात है उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, मास चेंज नहीं होंगे, तो मास आपके सेम रहेंगे लेकिन जो वेलोसिटी है फर्स्ट की वी ए हो गई, सेकंड की वी बी हो गई। मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग लिया है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये इससे पहले जो हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है वहाँ से ली है, क्या कि जितना एक्शन एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाया है उतना ही रिएक्शन वापस मिलेगा। यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर बी ने जितना फोर्स लगाया है उतना ही फोर्स ए ऑब्जेक्ट बी पे लगाएगी, लेकिन माइनस साइन क्या बता रहा है यहाँ पर, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैंने माइनस साइन लिया है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन सेम होते हैं, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिया है, नेगेटिव साइन। तो ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन से मैंने लिखा है। अब
इसको मैंने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कन्वर्ट कर दिया। फोर्स हमने क्या पढ़ा है, चेंज इन मोमेंटम। और जब मैंने यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम वाला आपको एक्सप्रेशन किया था, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये चेंज इन मोमेंटम वही मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ किया है, मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। अब ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगा है तो सीधी सी बात है मोमेंटम भी तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का चेंज होगा। ये फोर्स आपको लगा है सेकेंड ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पर मोमेंटम किसका चेंज हो गया, सेकेंड ऑब्जेक्ट का। तो ये जो आपकी डेफिनेशन आई है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से आई है। अब यहाँ से टी आपका कैंसिल आउट होगा, ये ब्रैकेट आप ओपन कीजिए, एम ए इंटू वी ए माइनस एम ए इंटू यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एम वी यू बी। अब जब मैं फाइनल वेलोसिटी वाली टर्म्स को एक साइड लिख रहा हूँ और जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी के जो टर्म्स हैं मैं उसको दूसरी तरफ लिख रहा हूँ, तो अब यहाँ पर देखिए जरा, ये जो इक्वल टू का साइन है इसके लेफ्ट साइड में जो भी मोमेंटम है वो आपका फाइनल मोमेंटम है, यानी कि कोलिजन के बाद का मोमेंटम। कैसे, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है, जब मैं इनको ऐड कर दूंगा तो टोटल मोमेंटम हो गया। सिमिलरली जो आपका राइट साइड है ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है, ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम आपका किसके बराबर हो गया, फाइनल मोमेंटम, यानी मोमेंटम आपका कंजर्व्ड रहा है दोनों ही केस में। तो ये आपका चैप्टर 9 था, फोर्स एंड लॉज मोशन। थैंक यू।